नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद मिलने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर यही पहला प्रश्न है कि धन का अभिमान व्यर्थ है क्यों? अभिमान यानी गर्व। दूसरा प्रश्न है, क्या आप कोई काम करने से पहले उस पर सोच विचार करते हैं? और हमें व्यक्ति के रूप को न देख उसके गुणों को देखना चाहिए क्यों? और आखिरी प्रश्न है, बीती बातों को भुला देना क्यों अच्छा होता है? बच्चों, ये सभी प्रश्न जो हैं, इन सब के उत्तर हमें मिलने वाले हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है गिरधर की कुंडलियां। गिरधरी जी ने यहाँ पर अपनी जो पांच कुंडलियां यहाँ पर दी गई है, उन कुंडलियों को पढ़ने के बाद हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं गिरधर की ये पांच कुंडलियां। इसे कुंडलियां इसलिए कहा गया है ताकि यह मनुष्य के अंदर के गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये पांच गुण अगर मनुष्य के अंदर होंगे तो मनुष्य का भविष्य, उसका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा होता है और उससे मीन्स बहुत ही सफल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर गिरधर की कुंडलियाँ यह नाम दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम गिरधर की पांच कुंडलियाँ। बिना विचारे जो करे सो पांचे पछताएं, बिना विचारे जो करे सो पांचे पछताएं, काम बिगारे अपनो जग में होत हसाएं, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बच्चों, यहाँ पर चित्त यानी मन है, सम्मान जो है उसका अर्थ है सम्मान, टरत न टारे का अर्थ है टालने से नहीं टलता, बिगारे यानी बिगड़ देना, हसाए यानी हंसना, खान पान सम्मान यानी मान सम्मान जो है, राग रंग मन ही न भावे यानी मन में भी न भावे यानी मन को अच्छा न लगे। इस तरह से यहाँ पर कछु यानी कोई दुख, जिया माही का अर्थ है मन में यानी हृदय में। तो इस तरह से इस पहले कुंडली का अर्थ होता है। यहाँ पर गिरधरी लाल कहते हैं कि बिना विचार किए कोई काम करने से काम बिगड़ जाता है और सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। ऐसे कार्य से व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है यानी दुखी हो जाता है और फिर इस दुख के कारण उसे खाना पीना सम्मान मनोरंजन किसी भी में भी अपना मन नहीं लगता। इसीलिए कवि कहता है कि बिना विचारे किया गया कार्य मन को हरदम दुखी यानी व्याकुल बनाता है। तो यही इससे समझाना चाहते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सोच विचार करना चाहिए और फिर ही आगे कदम बढ़ाने हैं कि उस काम को हम करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से इस कुंडली का अर्थ बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कुंडली की ओर। दूसरी कुंडली इस तरह से है, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। कही गिरधर कविराय यह करुमन परत्ती, आगे को सुख समूझी हो बीती सो बीती। यहाँ पर बीती ताही बिसारी दे, बिसारी देना यानी भूल देना,
आगे की सुध लेई, यानी यहाँ पर सुध लेई यानी समझ लेना, जो बनी आवे सहज, बनी आवे यानी सहजता से बन जाता है। ताही में चित देई, चित्त यानी मन, ताही यानी उसी में अपना मन लगाना। यहाँ पर दुर्जन हसे, दुर्जन यानी जो हमारे शत्रु हैं उसे दुर्जन कहा जाता है। तो इस तरह से परतति, परतति का अर्थ है विश्वास। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इस कुंडली का अर्थ क्या है। यहाँ इस कुंडली से कवि गिरधरी लाल हमें क्या समझाना चाहते हैं? तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाकर आगे की बात सोचनी चाहिए, और जो बात सरलता से हो सके उसी में हमें अपना मन लगाना चाहिए। ऐसा जब हम करेंगे तो लोग हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे, या हमारी हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे, और हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे तो हमारा मन भी दुखी नहीं होगा। इसीलिए कवि कहता है कि आगे की सुख पर, आगे के जो सुख है उसके ऊपर विचार करते हुए बीती बातों को मन से निकाल देना चाहिए। सही बात है बच्चों, जो बीत गया उस बातों को अगर हम आगे चलकर याद करेंगे तो वो बीती हुई बातें जो है, जो हमें दुख दे गई है, जो सफल नहीं हुई है, ऐसे बातों को जब हम याद करेंगे तो वो हमें दुख ही देगा। और जब हमारा मन दुखी हो जाएगा तो हम अपने आगे के जो हमारी मंजिल है या हमारा जो काम है, उस काम को हम सही तरीके से, सही ढंग से पूरे नहीं कर पाएंगे। और ऐसा न हो इसीलिए यहाँ पर गिरधरी ने हमें कहा है कि बीती बातों को भूलना ही उचित है और आगे बढ़ना है। बच्चों, अगर आप लोगों को अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें जीवन में बीती हुई ऐसे दुखद बातें हैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं करना है, और ना ही अपने मन को नाराज करना है। तो यही यहाँ पर हमें अपनी बीती हुई बातों को कभी याद नहीं करना है, और ना ही अपने आप को दुखी करना है। अगर हम दुखी हो गए तो हमारा जो काम है वो बिगड़ जाएगा, और हमारे जो दुर्जन हैं वो हमारे ऊपर हंसेंगे, और फिर हम उसमें से दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गिरधरी ने यही कहा है कि हमें बीती बातों को भूलना ही उचित है। बच्चों, हमारी गिरधरी की तीसरी कुंडली हमें यही समझाना चाहती है, देखो, कि पैसा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने मनुष्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, अगर मनुष्य का बल हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, यही उन्होंने सीख इस तीसरे कुंडली में दी है। तो पढ़ते हैं इस तीसरी कुंडली को। तीसरी कुंडली है, दौलत पाए न कीजे, दौलत पाए न कीजे सपने हो अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजे, कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निसी दिनचारी रहत सभी के दौलत। बच्चों, यहाँ पर हमें कवि यही समझाना चाहते हैं कि दौलत यानी धन, धन के समान चंचल प्रकृति का होता है, यानी है दौलत कैसी होती है, पैसा कैसे होता है, तो वो चंचल होता है, यानी कि वो चंचल किस तरह से, तो जल की तरह चंचल होता है। तो इसीलिए हमें उस पैसे के ऊपर कभी अभिमान यानी घमंड यानी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जिस तरह से जल एक जगह पर कभी रुकता नहीं है, थमता नहीं है, वो आगे बहता ही जाता है, जहाँ पर उसे राह मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से दौलत है, धन है, वो भी कभी किसी के हाथ में एक जगह पर रुकता नहीं है, वो कभी आज एक के हाथ में है तो कल न जाने वो कहाँ दूसरे के हाथ में चला जाएगा।
यही बात यहाँ पर उन्होंने कही है, और इसीलिए वो कहते हैं कि दौलत के ऊपर कभी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आगे चलकर कवि हमें ये कहते हैं कि हमें मीठे वचनों से सभी को आनंदित करना चाहिए और सभी से विनम्रता से पेश आना चाहिए, ताकि मनुष्य को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि धन तो मेहमान की तरह होता है। देखो ना बच्चों, जैसे कि यहाँ पर धन की उपमा जल को दी है, धन की उपमा यहाँ पर पाहुन यानी मेहमान को दी गई है, कि जिस तरह से मेहमान कभी कायम स्वरूप ही हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं, वो कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से धन भी एक मेहमान की तरह वह व्यक्ति के पास कुछ समय के लिए रहता है और वो बाद में वहां से कहीं चला भी जाता है। ये आपको पता ही है, जैसे कि पैसे हमारे घर में आते हैं तो वो हम ऐसे ना वैसे किसी बात के लिए हम खर्च करते रहते हैं, पैसे जैसे के वैसे घर में पड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कर्ज के कारण या जो हमारे जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए पैसे कभी एक जगह पर नहीं टिकते, वो कुछ समय के बाद हमारे हाथ से चले जाते हैं। इसीलिए धन पाकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यही हमें इस कुंडली से गिरधरी ने समझाने का प्रयास किया हुआ है। आगे देखते हैं गिरधर की चौथी कुंडली। चौथी कुंडली है, साईं अपने चित्त की, साईं अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होई, जब लग कारज होई भूली कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हसे न कोई आप सियरे हवे रहिए। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन की ताई, करतुती कही देत आप कहिए नहीं साई। यहां पर कारज यानी कार्य, सियरे यानी शीतल, करतुती यानी करनी यहाँ पर दी गई है। सियरे यानी शीतल, करतुती यानी कर्ण, शब्द यानी शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर कवि गिरधरी लाल कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन की बात कार्य पूरा होने तक किसी को भूल कर भी नहीं बोलनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमारी क्योंकि अगर वो कार्य सही समय पर पूरा नहीं हुआ तो हमारी हंसी लोग उड़ाएंगे और हमारा मन शीतल नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह बात चतुर लोगों से सीखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चतुर होता है वह कभी भी अपनी कोई भी बात पूरी होने तक लोगों को नहीं समझाता है, क्योंकि जब वो काम उसका पूरा हो जाता है तो अपने आप लोगों को वो दिखाई दे जाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी कार्य पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ताकि अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो लोग हमारी हंसी करेंगे। तो बच्चों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कार्य को करने से पहले ही लोगों को उसके बारे में सब बता देते हैं और वो कार्य किसी कारणवश और वह कार्य किसी कारणवश पूरा नहीं होता है, और फिर लोग जो हैं, जो दुर्जन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसका मन दुखी हो जाता है। तो इस तरह से जो चतुराई, हमें चतुराई से काम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, चतुर लोगों की तरह हमें सीखना चाहिए कि कोई भी काम पूरा होने तक हमें लोगों को बिल्कुल उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो बात पूरी होगी तो वो लोगों के सामने आ जाएगी। बच्चों, मैं आपको एक सीधी तरह से इस बात को समझाना चाहती हूँ। जैसे कि देखो, हमारी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो बहुत बातें करते हैं, बोलते रहते हैं हरदम और दिखाते हैं कि हम कितने होशियार हैं, हमें कितना आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में वो शांत रहने वाले व्यक्ति ही अपनी जो अपना जो ज्ञान है वो लिखकर एग्जाम में वो दिखाते हैं, और जो हमेशा कक्षा में बोलते रहते हैं, दूसरों को बोलने का चांस ही नहीं देते, ऐसे बच्चे एग्जाम में सीधे साधे एकदम लगने वाले बहुत इजी वाले जो प्रश्न रहते हैं उनके भी उत्तर वो गलती कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चतुर लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं और अपने कार्यों को लोगों को दिखाते हैं। तो यही बात यहाँ पर गिरधरी जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें कोई भी काम करने से पहले कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है। तो इस तरह से हमारी ये चौथी कुंडली है। अब हमारी पांचवी कुंडली इस तरह से है, गुण के गाहक सहर नर, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला सबद सुने सब कोई, सबद सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दोऊ को इक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनो गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। इस पांचवी कुंडली में कवि गिरधरी ने हमें लोगों के गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य के गुणों को नहीं बल्कि उसके बाहरी जो बातें होती है उनके उन्हें देखते हैं और जैसे कि हमने पहले देखा था कि किसी व्यक्ति के जो व्यक्ति का रूप रंग हमें नहीं देखना है बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। रंग रूप जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर गिरधरी ने यह बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया हुआ है। वो यही कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लाहे न कोई, यानी व्यक्ति जो है मनुष्य है यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि गुण के बिना व्यक्ति की कहीं भी मान सम्मान नहीं होता है, उसकी पूछताछ नहीं होती। जिस प्रकार कौवा और कोयल का एक ही रंग होता है पर कोयल की बोली सबको प्रिय होती है सबकी, लेकिन कौवा जो होता है उसकी बोली कोई नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसकी आवाज बहुत कर्कश है। तो यही पर यहाँ समझाना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी कहना चाहते हैं कि गुणहीन जो व्यक्ति रहते हैं वो कोई नहीं उन्हें पूछता, संसार में कोई लोग उन्हें पूछते नहीं है, सभी गुणवान व्यक्ति का आदर ही करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि एक ही रंग के कोयल भी है और कौवा भी है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर के जो गुण है, जो आवाज है, उन आवाज के गुणों के कारण कौवे को लोग पसंद नहीं करते हैं और कोकिला कोयल जो है उसे लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी इस संसार में जो गुणहीन व्यक्ति है उनका उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, उनकी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो संसार जो आज अच्छी तरह से टिका हुआ है, आज भी हमारे संसार में कुछ गुण अच्छे गुणवान व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, वो केवल इसी की बदौलत है कि ऐसे लोग इस संसार में रहते हैं। लेकिन बच्चों, आजकल तो ऐसा हुआ है कि ये जो कुंडली है उसमें जो बताया गया है उससे विपरीत ही आज होता है। आज गुणहीन व्यक्ति को ही लोग पूछते हैं, मान सम्मान देते हैं और गुणवान व्यक्ति का अनादर करते हैं, उन्हें कोई समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें यह गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणहीन व्यक्ति है वो व्यक्ति इस संसार को बिगाड़ने का काम करते रहते हैं और
जो गुणवान व्यक्ति है वो इस संसार को जो शाश्वत मूल्य होते हैं, जो आदर होते हैं, जो वैल्यूज होती है, जो सबको विनम्रता से लाते हैं, जो हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन कहते हैं, उसी में रहने का प्रयास करने वाले ये गुणवान व्यक्ति होते हैं। उनके कारण उनके सानिध्य में आने वाले लोग भी उस तरह से आदर सीख जाते हैं, उन गुणों को अपनाते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि संगत अच्छी होनी चाहिए तो एक व्यक्ति जो बिगड़ा हुआ है वो भी संगति के कारण उसमें परिवर्तन होता है, वो भी एक अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें बच्चों गिरधरी लाल जी ने यही बताया है कि हमें क्या करना है, गुणवान व्यक्ति का आदर करना चाहिए और गुणहीन व्यक्ति को कोई पूछता नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में हमें अच्छे गुणों का अवलंब करना है और हमें क्या करना है, मान सम्मान अगर आप चाहते हैं तो आपको इन अच्छे गुणों को अपनाना है और इस संसार में लोगों के साथ पेश आना है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि रंग रूप किसी काम का नहीं होता है, महत्व की बात है मनुष्य के अंदर के गुण। वह गुण अच्छे होने चाहिए तो ही मनुष्य इस संसार में बहुत अधिक तरह मात्रा में मनुष्य की संपत्ति जुड़ा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर हमने गिरधरी की ये 5 कुंडलियां सीखी, जिसमें से उन्होंने अपनी कुंडलियों में नीति की बातें बड़े ही रोचक ढंग से कही है। इस पाठ की 5 कुंडलियों में उन्होंने यही कहा है कि प्रत्येक कार्य को करने से पहले उस पर खूब सोच विचार कर लेना चाहिए, बीती बातों को भुलाकर भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए तथा धन प्राप्त होने पर हमें बिल्कुल गर्व नहीं करना चाहिए और कार्य पूरा होने तक जो हमारी मन की बात है वो कभी किसी को बतानी नहीं है, ना ही उसका डिंडोरा पीटना है। और 5वें इसमें से उन्होंने यही कहा है कि गुण ही व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, अच्छे गुण ही व्यक्ति को इस संसार में मान सम्मान दिलाता है। तो बच्चों ये 5 कुंडलियां अच्छी तरह से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकती है अगर हमने इन 5 कुंडलियों को सही मायने से हमारे दिमाग में रखा। और न केवल रखना है बल्कि उसे आत्मसात करना है तो ही हमारा जीवन बदल जाएगा और हम एक अलग तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिरधरी लाल जी ने जो 5 कुंडलियों में कही है, हम कभी दुखी नहीं होंगे और कभी भी हम न लोगों को दुखी कर पाएंगे। तो इस तरह से दुख होने के बाद भी हम किस तरह से खुशी से जिंदगी बिता सकते हैं, तो ये जिंदगी अगर आपको जीनी है, भविष्य अगर आपको अच्छा बनाना है, तो इन 5 कुंडलियों को आपको अपने दिलो दिमाग में रखना है और उसी तरह से पेश आना है तो ही आप अपने भविष्य को अच्छी तरह से सुधार सकते हो। तो बच्चों यही पर हमारी ये गिरधरी की कुंडलियां जो हैं, यह पाठ यहाँ पर सीख कर समाप्त होता है।